जल्लोष डांडिया से जुड़ी एक और खबर है। प्रीतम म्हात्रे की अर्धांगिनी और रोटरी क्लब ऑफ पनवेल स्वयं सिद्धा की संचालिका ममता म्हात्रे द्वारा जल्लोष डांडिया के पंडाल में हल्दी कुमकुम समारोह का आयोजन किया गया था। इस हल्दी कुमकुम समारोह में स्थानीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जय म्हात्रे चैरिटेबल संस्था और करनाला चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से सुश्री ममता प्रीतम म्हात्रे के मार्गदर्शन में शनिवार को हल्दी कुमकुम समारोह का आयोजन किया गया था। जल्लोष डांडिया के मैदान में आयोजित इस हल्दी कुमकुम समारोह के लिए स्वयं ममता म्हात्रे सहित नगर सेविका सारिका भगत, करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी की कला विभाग की उपाध्यक्षा कविता ठाकुर, अर्बन बैंक की संचालिका माधुरी गोसावी, श्रीमती शेणॉय, राजेश्री शेलके आदि गणमान्यों सहित महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। इस हल्दी कुमकुम समारोह के दौरान नवीन पनवेल स्थित नृत्य आराधना डांस एकेडमी के कलाकारों ने मन लुभावन नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थितों की वाहवाही लूटी। कार्यक्रम की शुरुआत में उपस्थित गणमान्य एवं महिलाओं द्वारा सड़क हादसे का शिकार बनी पनवेल महानगर पालिका की नगर सेविका स्वर्गीय मुग्धाताई लोंढे को श्रद्धांजलि अर्पण की गई, जिसके बाद हल्दी कुमकुम समारोह की शुरुआत की गई। इस अवसर पर कविता ठाकुर ने अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए उपस्थित सभी महिलाओं को नवरात्रि एवं हल्दी कुमकुम समारोह की शुभकामनाएं दी। जय म्हात्रे चैरिटेबल संस्था पनवेल आणि कर्नाळा चैरिटेबल ट्रस्ट आयोजित हल्दी कुंकवाच्या समारंभास आलेल्या सर्व वयोगटातील सर्व माझ्या माय बहिणींना मैत्रिणींना खूप खूप शुभेच्छा देते नवरात्रीच्या। आणि प्रथम आपण ममता बहिणींसाठी जरा जोरदार टाळ्या वाजवूया, कारण हळदी नवरात्र म्हणजे नवरात्रातला हळदी कुंकू हे सगळ्यांचा आवडता सण असतो आणि त्यांनी सगळ्यांनी आपल्याला एकत्र केलेलं आहे हळदी कुंकाचं। आता पाऊस होता तरी पण सगळ्याजणी तुम्ही एवढ्या संख्येने उपस्थित राहिल्या त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। कुलमिला के ममता म्हात्रे द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी महिलाएं एक ही मंच पर आकर अपने जीवन के सुख दुख को एक दूसरे के साथ साझा कर पाई। वीडियो जर्नलिस्ट ओंकार जानकर के साथ करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट।